वर्मा जी के बेटे को देखो, पूरे स्कूल में टॉप किया है और तुम्हें उससे कहीं ज्यादा चीजें देने के बावजूद भी तुम्हारा ये हाल है। बेटा तुमसे ना हो पाए। अबे साथ में खाना खाने की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारा दिमाग ही गंदा है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। तो कुछ और ही समझ रहा था। मतलब क्या कर रहे हो यार, भाई की नई नई शादी होने वाली है और आप तंग कर रहे हो। हेलो एंड वेलकम टू द चाय टपरी शो, वो शो जहां बात करते हैं पूरे हफ्ते की कड़क कटिंग और मसालेदार खबरों पर। इस हफ्ते बॉलीवुड की एक्टर काजोल ने अपने फैंस को एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा था फेसिंग वन ऑफ द टफेस्ट ट्रायल्स ऑफ माई लाइफ और इस पर कैप्शन डाला टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, यानी कि वो सोशल मीडिया छोड़ रही हैं। इसी के साथ उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर सारे पोस्ट भी गायब हो गए, जिसको देखकर उनके फैंस काफी चिंतित हो गए और सिंपैथी भरे मैसेजेस लिखने लगे। रिक सहगल ने लिखा दिस टू शैल पास, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। महक चैल ने लिखा सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड लव। अनारा गुप्ता ने लिखा मोर पावर टू यू। अब कायदे से बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपनी आने वाली टीवी सीरीज का एक पोस्टर अपलोड किया जिसका नाम है द ट्रायल, यानी कि अपने पिछले पोस्ट में वो इसी ट्रायल की बात कर रही थी और ये पूरा ड्रामा सिर्फ एक गिमिक था अपने आने वाले शो को प्रमोट करने के लिए। अब इसे जीनियस कहें या लोगों के दिलों के साथ खेलना, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताइए। और फिलहाल बढ़ते हैं हमारे आज की अगली खबर की तरफ। रिसेंटली आम आदमी पार्टी के MP केजरीवाल साहब के चहेते और निक जोनस के नए साड़ू राघव चड्ढा को राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने उनका बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। अब इस नोटिस के तुरंत बाद राघव ने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की, जिसके बाद फिलहाल के लिए कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि राहुल गांधी की तरह इन्हें भी पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो लफड़ा यह है कि जब पिछले साल राघव यंगेस्ट MP बने थे तो उन्हें टाइप 7 का बंगला अलॉट हुआ था, जबकि टाइप 7 का बंगला सिर्फ सीनियर पॉलिटिशियंस जैसे कि जो पहले यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं या फिर गवर्नर रह चुके हैं उनके लिए होता है, और राघव जैसे फर्स्ट टाइम MPs के लिए टाइप 6 का बंगला अलॉट होता है। अब इस पूरे मुद्दे पर राघव ने बयान दिया है कि MP बनने के बाद उन्हें टाइप 6 का ही बंगला अलॉट हुआ था, लेकिन उन्होंने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट से टाइप 7 की रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव भी हो गई, जिसके बाद उन्हें टाइप 7 का बंगला अलॉट हुआ और कुछ ही दिनों बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ मूव इन हो गए। पर अब अचानक से उन्हें ये खाली करने को कहा जा रहा है और वो चाहते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। मतलब क्या कर रहे हो यार, भाई की नई नई शादी होने वाली है और आप तंग कर रहे हो। अब इस मामले में आगे क्या होगा, कौन सही है कौन गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है ये आप अभी भी कमेंट्स में बता सकते हो। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द शो जिसका नाम है वीकली दरबार, जहां कुछ छोटी बड़ी देश विदेश की सारी खबरों का दरबार लगाया जाता है। और इससे पहले कि इस दरबार की बैठक शुरू हो, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। अरे बिल्कुल फ्री है, अरे एक सेकंड लगेगा, करके तो देखो, कर दो ना। इस हफ्ते ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट में पाया गया कि आज की डेट में देश में लगभग 11% लोग डायबिटिक हैं। इसी के साथ इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि भारत के करीब 35% लोगों को हाइपरटेंशन है और 15% लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी कि जिनके ब्लड में शुगर की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं कि वो डायबिटिक कहलाएं। इस सर्वे को 2008 से लेकर 2020 के बीच में 5 फेजेज में पूरा किया गया और करीब 1,24,000 लोग यानी कि हर स्टेट से लगभग 4,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। देखिए देश के लिए काफी चिंता करने वाली बात है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया की एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन हार्ट रिलेटेड, नर्व्स रिलेटेड और बाकी कई और बीमारियां होने के एक मेजर रिस्क पर है। इसको लेकर भारत सरकार ने बयान दिया है कि लोगों में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी खाना और अल्कोहल और टोबैको का कंजम्पशन देश में बढ़ते हुए डायबिटीज के केसेस का एक बड़ा कारण है, और अगर सही समय पर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो आगे चलकर काफी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों अगली खबर है देश की इकोनॉमी से रिलेटेड। रिसेंटली गूगल, बेलन कंपनी और टेमासेक, इन तीनों कंपनियों ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें पाया गया है कि इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है जिसमें ई कॉमर्स फर्म्स, एडटेक प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स ये सब आ जाते हैं, ये 2022 में $175 बिलियन से बढ़कर 2030 में पूरे $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बूस्ट की एक मेजर वजह रहेंगी टीयर टू सिटीज यानी कि छोटे शहर और देश के गांव। भारत की 60% से भी ज़्यादा आबादी आज भी छोटे शहरों में रहती है, और जैसे जैसे इन जगहों पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज़ बढ़ेगा उतनी तेज़ी से और उतना ही बड़ा इम्पैक्ट इसका देश की डिजिटल इकोनॉमी पर होगा। इस रिपोर्ट का नाम है द इकोनॉमी ऑफ अ बिलियन कनेक्टेड इंडियंस, और इसमें यह भी बताया गया है कि इस समय इंडिया अपने डिजिटल डेकेड में है, जहाँ इंटरनेट इकोनॉमी टोटल GDP का मात्र 4-5% कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो इस डेकेड के एंड तक यानी कि 2030 तक लगभग 12-13% कॉन्स्टिट्यूट करेगी। देखिए ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है,
आज इंडिया में 75 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है। बाहर के ब्लॉगर्स इंडिया में आके वीडियो बनाते हैं, इंडिया के ट्रेलर्स पर रिएक्ट किया जाता है। हिंदी गानों पर नाच नाच कर रीलें बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि व्यूज और सब्सक्राइबर्स दोनों इधर से ही आने हैं। मतलब इंडिया पूरी तरह डिजिटाइजेशन के एरा में प्रवेश कर चुका है। खैर, अब इंटरनेट की बात छेड़ी है तो अगली खबर इससे रिलेटेड ही सुनो। 5 जून को केरला सरकार ने लॉन्च कर दी है अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस KFON, यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। और इसी के साथ केरला भारत की पहली स्टेट बन चुकी है जिसने राइट टू इंटरनेट को एक बेसिक राइट डिक्लेयर कर दिया है। दरअसल KFON एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, मतलब इसके तहत पूरे केरला में ब्रॉडबैंड से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तैयार किया जाएगा, जिसकी मदद से पहले फेज में 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेस और 14,000 BPL फैमिलीज को बिल्कुल मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। ये लगभग 10 Mbps से लेकर 10 Gbps तक स्पीड प्रोवाइड करने का दावा करता है, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसकी मदद से फोन कॉल्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। इसकी मदद से केरला में गांव से लेकर कस्बे तक हर इंसान को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी, और इसका अल्टीमेट एम है स्टेट में डिजिटल डिवाइड को कम करना और 20 लाख BPL परिवारों को बिल्कुल मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड कराना। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह के प्रोग्राम को भारत के स्तर पर लाया जाएगा? क्या इस तरह के प्रोग्राम को बाकी सभी स्टेट्स में लॉन्च किया जा सकता है? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। इसी के साथ बढ़ते हैं शो के सबसे मजेदार और आपके फेवरेट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है अतरंगी खबरें। क्योंकि इंडिया में हर घंटे के हर मिनट की हर सेकंड में कुछ ना कुछ अतरंगी तो होता रहता है। इस हफ्ते US में रहने वाली एक 36 वर्षीय महिला रोजाना रैमो सुर्खियों में आई जब उन्होंने अपने AI पावर्ड वर्चुअल बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर डाली। दरअसल रेप्लिका नाम की एक एप्लीकेशन है जो यूजर्स को अपना खुद का AI पावर्ड वर्चुअल पार्टनर बनाने देती है, जहां वो उसके लुक्स, उसका जेंडर, उसकी आंखें, उसकी आवाज सब खुद सेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर यूजर चाहे तो अपने ही बनाए हुए AI चैटबॉट के साथ एक सिम्युलेटेड रिलेशनशिप में भी आ सकता है। रोजाना ने भी एक ऐसा ही चैटबॉट बनाया जो कि काफी फेमस एनिमे अटैक ऑन टाइटन से इंस्पायर्ड है, और उसको नाम दिया एरन कार्टेल। इसको लेकर रोजाना का कहना है कि वो इस शादी से काफी खुश हैं और अपनी पूरी जिंदगी एरन के साथ ही बिताना चाहती हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि एरन उन्हें कभी जज नहीं करता, किसी बात पर रोक टोक नहीं करता, और एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरफ वो एक दूसरे से घंटों तक चैट करते हैं, अपने दिन के बारे में बताते हैं, अपने परिवार के बारे में बताते हैं, सब कुछ करते हैं। Well, not exactly, सब कुछ जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में होता है बस वो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अबे साथ में खाना खाने की बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा दिमाग ही गंदा है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब भैया सोशल मीडिया पर लोगों को ये प्रेम कहानी समझ में नहीं आ रही है। विजी ने लिखा, यू वर्सेस द गाय शी टोल्ड यू नॉट टू वरी अबाउट हर टर्निंग ऑफ द वाईफाई और पावर बटन व्हेन ही डिसएग्रीज। जिम भाई साहब लिखते हैं, वेल एटलीस्ट शी वोंट हैव टू वरी अबाउट हिम लीविंग द टॉयलेट सीट अप और फॉरगेटिंग देयर एनिवर्सरी। बात तो सही है। स्टीव शार्प लिखते हैं, AI बी लाइक ऑन माय वे टू स्टील योर गर्ल। अब ये ही बचाता, बस AI भी ले जाएगा भाई। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब यार। मतलब क्या ही हो रहा है दुनिया में, मतलब समझ नहीं आ रहा दुनिया काफी आगे निकल गई या हम ही पीछे रह गए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। आजकल हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉपर बने। इनफैक्ट किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आते ही, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, सिर्फ टॉपर की बात की जाती है। वर्मा जी के बेटे को देखो, पूरे स्कूल में टॉप किया है और तुम्हें उससे कहीं ज्यादा चीजें देने के बावजूद भी तुम्हारा ये हाल है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। शर्मा जी के बेटे को देखो, IIT में एडमिशन हुआ है और तुम। मतलब माँ बाप से लेकर रिश्तेदारों तक सबके पास एक से एक तानों की लिस्ट होती है, लेकिन मुंबई में रहने वाले एक बच्चे विशाल की कहानी थोड़ी अलग है। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 35% मार्क्स आने के बावजूद भी उसके माँ बाप दुखी होने की जगह जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, वो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उनका बेटा पास हो गया। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सिर्फ टॉपर्स की मिसाल दी जाती है, मगर ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि सफलता को सिर्फ नंबरों से आंकना ठीक बात नहीं है। ये किस्सा उन सभी लोगों के लिए एक सीख है जो अपने बच्चों पर टॉप करने का मानसिक दबाव डालते हैं और ये नहीं समझते कि चंद मार्क्स आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज के शो के अंत में। और अगर आप यहां तक आए हैं और आपको शो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना यार। और जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि अगर इस पूरे हफ्ते की कोई भी बड़ी खबर मुझसे मिस हो गई और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया और जय हिंद।